नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको ले आया हूँ शीतला माता मंदिर। आपको आज शीतला माता मंदिर जो गुड़गांव में है उसके दर्शन करवाएंगे हम। उसके बाद चलेंगे हम बेरी माता और आगे और भी दो तीन कुल देवियों पे जाएंगे हम। आपको आज दर्शन कराते हैं हर सभी माताओं के। धन्यवाद, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे मुंडन करवाने का रेट 151 रुपये है, जैसे कि देख सकते हैं आप सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी थी और पार्किंग से ही ये जाली वाला रास्ता निकलता है, वहाँ से प्रसाद लेके आप आ सकते हैं और फ्री पार्किंग है। और अब ये जाली वाला रास्ता ख़त्म होने के बाद यहाँ से एंट्री है और ये माता का भव्य दरबार आ चुके हैं हम। अब आप शीतला माता के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, कोरोना की वजह से अभी काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, तो बहुत कम भीड़ है अभी। आप सभी लोग आकर आराम से दर्शन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा भीड़ की समस्या नहीं है, कोई रश नहीं है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। बस प्रसाद ये है कि बाहर ही रखवा दिया जाता है, यहाँ पे अंदर प्रसाद लाने नहीं दिया जाता, बाहर ही प्रसाद चढ़ा देते हैं। जहाँ पे गेट पे पुलिस वाले थे वहाँ चेकिंग के लिए, वहीं पे प्रसाद हमने चढ़ा दिया था और अंदर आके दर्शन करके आप बाहर अपनी जोत वगैरह लगा सकते हैं। ये यहाँ पर एक मिट्टी निकालने की प्रथा है। पहले तो जोड़ हुआ करते थे पानी के तालाब, वहाँ से मिट्टी निकाली जाती थी। अब ये ख़त्म हो गए हैं तो यहीं पे छोटा सा ये बनाया हुआ है, यहाँ पे आप मिट्टी निकालने वाली प्रथा कर सकते हैं। और दूसरा ये, यदि किसी को अपना घर बनाना है तो यहाँ पे मन्नत मांग सकते हैं, ईंटों से अपना घर बना सकता है, तो इस तरीके से अपनी मन्नत मांग सकते हैं। और ये मन्नत का पेड़ है, यहाँ पर मन्नत के पेड़ पर अपना धागा बांध सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं अपनी। आप देखिए काफ़ी लोगों ने इतना धागा लगाया हुआ है यहाँ पे मन्नत का। साथ में शनि देव जी का मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन करके तिल चढ़ा सकते हैं, अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यहीं पर सामने भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन करके पूजा कर सकते हैं। पहले मंदिर के लेफ्ट साइड में रास्ता हुआ करता था, वहाँ पे कुछ और भी मंदिर थे और भी मूर्तियाँ थी भगवान की, पर अभी वो कोरोना की वजह से बंद कर दिए गए हैं। मेन मंदिर ही खुला हुआ है, उसकी छाया प्रति यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। यह पार्किंग है यहाँ की, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, देखिए पूरी खाली पड़ी है, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं अभी, तो कोरोना की वजह से बहुत कम भीड़ है, आप आ सकते हैं आराम से। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक दिए बिना नहीं जाइएगा। धन्यवाद।